देखते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। अब हमारा जो पूरा ये स्केलेटल मसल है, इट इज़ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। इट इज़ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। अब ये हमारा पूरा स्केलेटल मसल है, उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे। अब ये मसल फाइबर्स दे आर कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। मसल फाइबर्स कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स होंगे, वो बंडल में प्रेजेंट होंगे। ये बंडल इट इज़ कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। बंडल इज कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। और ये पूरा मसल स्केलेटल मसल कवर्ड बाय सार्कोलेमा, और ये भी कवर्ड होता है बाय एपीमाइसियम। ठीक है, तो एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम और ये सार्कोलेमा। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर इज सार्कोमियर। ओके, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। इट कंटेन टू प्राइमरी प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। अब ये हमारा स्केलेटल मसल फाइबर है, इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। तो सार्कोमियर जो होता है, इट इज़ एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स। तो ये है दो जेड लाइन, तो एरिया बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमियर। अब दो प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। अब एक्टिन फिलामेंट, ये दोनों फिलामेंट जो होते हैं, एक्टिन फिलामेंट इज थिन फिलामेंट, या उसे कहते हैं आई बैंड। और जो मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट होता है, कि मायोसिन इज थिक फिलामेंट, और उसे कहते हैं ए बैंड। अब ए बैंड में क्या क्या आता है, एक तो ये मायोसिन आ गया हमारा, प्लस ओवरलैप्ड एक्टिन, क्योंकि इतना पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप्ड एक्टिन, तो वो आता है हमारा थिक फिलामेंट। फिर थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, एक्टिन जो है वो थिन होता है, टिन थिन, और मायोसिन होता है वो थिक होता है। जेड लाइन देख लिया हमने, ए बैंड देख लिया, ए बैंड में क्या आता है, मायोसिन आता है प्लस ओवरलैप्ड एक्टिन, इतना हो गया। अब उसके बाद है ये जेड, सॉरी एच लाइन। एच लाइन इज इट डिनोट्स, ये क्या कह रहा था, एच एच बैंड, मायोसिन नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। हाँ, मतलब ये वो पार्ट है, मायोसिन नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ए बैंड के बीच में जो होता है वो होता है एम बैंड या एम लाइन, जिस लाइन एट द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब ये जेड लाइन और एक्टिन, उनको कनेक्ट कौन करके रखता है, अल्फा एक्टिन। उसी तरीके से ये ए बैंड और ये एम लाइन को कनेक्ट कौन करके रखता है, मायोमेसिन। तो ये इतना याद रखना है। एक हमने देख लिया ये आई बैंड, ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, सार्कोमियर, जेड लाइन, ए बैंड देख लिया, एच बैंड देख लिया, एम लाइन देख ली विच इज़ द सेंटर, एक्टिन अटैच टू जेड लाइन बाय अल्फा एक्टिन, मायोसिन अटैच टू एम लाइन बाय मायोमेसिन। फिर नेब्यूलिन प्रोटीन होता है, कि ये नेब्यूलिन प्रोटीन है विच रन्स अलॉन्ग द आई बैंड, विच रन्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एक्टिन, इट रेगुलेट्स द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट को रेगुलेट करती है। दूसरा होता है टाइटिन, टाइटिन ये रहा टाइटिन, इट इज़ अ स्प्रिंग लाइक प्रोटीन दैट रन्स फ्रॉम जेड लाइन टू एम लाइन, के जेड लाइन से एम लाइन तक रन करता है, एंड इट इज़ अ स्प्रिंग लाइक प्रोटीन, मतलब ये रिकॉइल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और ये लार्जेस्ट प्रोटीन है, इसलिए इसका नाम है टाइटिन, टाइटन जैसा। तो ये टर्म्स, फिर चेंजेस इन सार्कोमियर ड्यूरिंग मसल कॉन्टैक्ट। सो जेड लाइन जो होती है इट कम्स क्लोजर, फिर लेंथ ऑफ आई बैंड जो होती है एंड एच बैंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस, देर इज नो चेंज इन ए बैंड। ओके, याद रखना, थिक फिलामेंट जो होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। स्केलेटल मसल दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सपोर्टिव प्रोटीन, रेगुलेटरी एंड रिलैक्सेशन प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दे आर माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन। सपोर्टिव प्रोटीन दे आर डेस्मिन, डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड टाइटिन। के कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन मायोसिन, सपोर्टिव में डेस्मिन, डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड टाइटिन। अब ये डेस्मिन जो है इट इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट, इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर सार्कोमास। के डेस्मिन इज अ ट्यूमर मार्कर फॉर सार्कोमास। फिर ये डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसमें इतना याद रखना है कि ये एक तो एंकर प्रोटीन है, ये मतलब सपोर्टिव प्रोटीन है। अब अगर ये डिस्ट्रोफिन एब्सेंट होगा तो उसे कहते हैं ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका मतलब डिस्ट्रोफिन एब्सेंट है, तो इसमें स्केलेटल मसल वीकनेस होगी, अल्टीमेटली वीकनेस ऑफ डायफ्राम होगा, कॉजिंग रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस एंड डेथ इन ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर टाइटन, वो भी मसल स्प्रिंग लाइक प्रोटीन है, गिव्स इलास्टिक सपोर्ट, लार्जेस्ट प्रोटीन है, एंड टाइटन इट अटैचेस मायोसिन हेड टू द जेड लाइन। तो ये हमने कौन सा देख लिया, सपोर्टिव प्रोटीन डेस्मिन, डिस्ट्रोफिन एंड टाइटिन। उसके बाद बचे रेगुलेटरी प्रोटीन्स, पहले दो टी याद रखना है रेगुलेटरी में, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है ये क्या करता है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है, ये हमारा एक्टिन है इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे आके मायोसिन जो बाइंड करता है, लेकिन ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। तो बहुत सारे एक्टिन होंगे तो सभी की एक्टिव साइट, मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट उसको कवर कर देता है, ताकि एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये ट्रोपोमायोसिन रिलैक्सेशन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है। दूसरा ट्रोपोनिन,
इसके तीन सब यूनिट ट्रोपोनिन टी आई सी आई सी ट्रोपोनिन टी बाइंड्स टू ट्रोपोमायसिन आई बाइंड्स सॉरी आई जो है इट इनिबिट्स एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रेक्शन इंट्रैक्शन एंड ट्रोपोनिन सी बाइंड्स विद कैल्शियम मतलब ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है फिफ्थ ट्रोपोनिन टी आई सी रेगुलेटरी प्रोटीन अब लास्ट है रिलैक्सेशन प्रोटीन जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएस सरका अभी सरका जो इट इज़ अ पंप या फिर चैनल जो रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है मसल वो हम आगे देखेंगे क्लियर तो ये प्रोटीन्स हो गए इन द स्केलेटल मसल फाइबर्स अब कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल अब ये स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन में दो इवेंट आते हैं एक इलेक्ट्रिकल इवेंट और एक मैकेनिकल इवेंट मैकेनिकल इवेंट में ही कॉन्ट्रेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल इवेंट में एक्शन पोटेंशियल होगा और इसलिए इसे कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग अब हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है जहाँ से सिग्नल पास होता है टू द स्केलेटल मसल वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है अभी अल्फा मोटर न्यूरॉन रेस्टिंग ऑन पोटेंशियल -70 जब डीपोलराइजेशन की वेव आएगी यहाँ पे तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगी सोडियम इन्फ्लक्स होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुँचेगा -40 इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगी ये कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाएगी और ये कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या करेगा एसिटाइलकोलाइन रिलीज कराएगा फ्रॉम द प्रीसिनैप्टिक मेम्ब्रेन इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये फिर एसिटाइलकोलाइन बाइंड करेगा इनटू निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल या फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ऑफ द मसल क्लियर तो ये जो पूरा यूनिट बना अल्फा मोटर न्यूरॉन प्लस मसल इट इज़ नोन एज मोटर यूनिट अल्फा मोटर सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन इनर्वेटिंग मसल फाइबर्स तो एक अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होती है ये बहुत सारे मसल फाइबर्स को इनर्वेट करती है तो ये जो यूनिट है इट इज़ मसल मोटर यूनिट अब एक पहले सबसे पहले सोडियम चैनल ब्लॉक होगी तो उसके सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होगा तो मसल पैरालिसिस होगी इट इज सीन इन पफर फिश विच कंटेंस टेट्राडोटॉक्सिन फिर लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिया सिंड्रोम इसमें ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल तो कैल्शियम चैनल कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलाइन नहीं होगा लीडिंग टू मसल पैरालिसिस लैम्बर्टन ईटन मायस्थेनिया सिंड्रोम अब यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन रिलीज करवाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है विच इज साइनेप्टोब्रेविन फिर साइनेप्टोब्रेविन अब साइनेप्टोब्रेविन होगा तो ही एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा अब ये साइनेप्टोब्रेविन के अगेंस्ट मतलब ये अगर इनहिबिट होगा तो फिर एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगा तो ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है बोटुलिनम टॉक्सिन ये साइनेप्टोब्रेविन को इनहिबिट करता है तो एसिटाइलकोलाइन रिलीज नहीं होगा इट लीड्स टू फ्लैसिड पैरालिसिस ये साइनेप्टोब्रेविन इज डिग्रेडेड बाय बोटुलिनम टॉक्सिन कॉजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस अब एसिटाइलकोलाइन यहाँ पर बाइंड हुआ एनएमडीए रिसेप्टर पे तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ उसे कहते हैं मिनिएचर उसे कहते हैं सॉरी एंड प्लेट पोटेंशियल उसे कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल अब बहुत सारे इस तरीके से ये एक टाइप ऑफ लोकल पोटेंशियल है बहुत सारे ऐसे एंड प्लेट पोटेंशियल एक्यूमुलेट हो गए और वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे लीडिंग टू एक्शन पोटेंशियल और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फुली क्लियर हो गया इनिशियली एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होता है विच इज़ लोकल पोटेंशियल धीरे धीरे जैसे जैसे एसिटाइलकोलाइन बाइंड होते रहेंगे वैसे वैसे एंड प्लेट पोटेंशियल भी इंक्रीज होता रहेगा उनका समेशन होगा और अल्टीमेटली थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और कोई केस में स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलाइन भी होता है विच कॉजेस मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल तो उसका नाम है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल अब कैल्शियम चैनल्स इन स्केलेटल मसल अब जो स्केलेटल मसल होता है उनकी मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करती है और एक टी शेप्ड ट्यूब्यूल बनाती है जैसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स अब ये टी ट्यूब्यूल्स में रिसेप्टर होता है विच इज नोन एज डाईहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर डाईहाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल सॉरी चैनल होती है डाईहाइड्रोपायरिडिन कैल्शियम चैनल अब इसका एक एंड जो होता है इट इज़ प्रेजेंट क्लोज टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम विच स्टोर्स कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम यहाँ पे होता है राइनोडिन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल राइनोडिन कैल्शियम चैनल अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वैसे ही ये DHPR रिसेप्टर या चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और ये फिर ज्वाइंट कर देगी विद दिस राइनो RYR रिसेप्टर तो इस वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगी तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन कि दे इंटरेक्ट मैकेनिकली एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स एंड एक्टिवेट्स DHPR रिसेप्टर्स एक्टिवेशन ऑफ DHPR रिसेप्टर कॉज कन्फर्मेशनल चेंज एंड ओपन्स राइनोडिन रिसेप्टर कैल्शियम इज रिलीज्ड विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है अब ये हमने कॉन्ट्रैक्शन देख लिया रिलैक्सेशन कैसे होगा तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे जितना भी कैल्शियम एक्यूमुलेटेड था वो वापस जाएगा थ्रू दिस चैनल विच इज नोन एज सरका पंप जो हमने देखा था पहले रिलैक्सेशन कौन करवाता है सरका पंप तो सरका पंप स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करवाएगा या फिर रिलैक्सेशन करवाएगा क्लियर अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन
अब इसमें चार स्टेप होते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब ये हमारा थिक फिलामेंट विच इज़ मायोसिन, और ऊपर ये है थिन फिलामेंट विच इज़ एक्टिन, और ये है मायोसिन हेड विच इज़ प्रेजेंट एट 45 डिग्री एंगल, और इसमें ATPase एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। अब याद रखना जब भी ATP आके यहाँ पे बाइंड होगा तो ATPase एंजाइम क्या करेगा, ATP कन्वर्ट करेगा इनटू ADP प्लस फॉस्फेट, तो ADP प्लस फॉस्फेट आ जाएगा ATP की जगह पे, ADP प्लस फॉस्फेट, उसकी वजह से क्या होगा मायोसिन हेड जो है वो टिल्ट हो जाएगा 45 से 90 डिग्री में आ जाएगा। उसके बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, ऊपर वाली प्रोसेस है किस वो DHPR पंप से कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, उसकी वजह से क्या होगा मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ इंटरेक्ट कर देगा, मायोसिन हेड विल इंटरेक्ट विथ एक्टिन विच इज़ नोन एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन पे बाइंड कर देगा मायोसिन हेड। उसके बाद थोड़े टाइम बाद रिलीज ऑफ ADP प्लस फॉस्फेट होगा, तो उसकी वजह से ये जो साइट थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, 90 डिग्री पे था तो वापस थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा टू अ डिफरेंट साइड, इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। तो इस तरीके से बहुत सारी स्लाइडिंग होगी तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और अल्टीमेटली फिर मायोसिन हेड डिटैच हो जाएगा, और उसके बाद इट रिक्वायर्स न्यू ATP फॉर दिस होल प्रोसेस, तो ये साइकिल रिपीट होगी, होपफुली क्लियर हो गया। अब आफ्टर द डेथ नो ATP अवेलेबल, सो मसल इज इन सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब नया ATP आना चाहिए तब भी रिलैक्सेशन होगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये ATP अगर रिलीज नहीं होगा तो फिर, या नया ATP नहीं आएगा तो फिर रिलैक्सेशन नहीं होगा, सो मसल इज इन सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन, सो राइगर मोटिस कहते हैं उसे, और ये रिलैक्सेशन का हमने देख लिया। इस टेकन बैक थ्रू सरका पम्प, कैल्शियम इज टेकन बैक थ्रू सरका पम्प, सो सरका पम्प हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड ब्रस मसल रिलैक्सेशन। अब कभी कोई केस में रायनोडियन रिसेप्टर ओवर एक्टिविटी होगी तो एनहेंस्ड कैल्शियम रिलीज लीडिंग टू इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज रिलीज ऑफ हीट लीडिंग टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सो ट्रीटमेंट के लिए ब्लॉकेड ऑफ दिस RYR रिसेप्टर बाय डेंट्रोलिन सोडियम। ये MCQ ATR बोल प्रेजेंट मसल वीकनेस डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर फॉलिंग डाउन डिसऑर्डर इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन, के मसल वीकनेस हो रही थी डिस्ट्रोफिन की वजह से क्योंकि एंकर नहीं हो रहा था स्केलेटल मसल। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, सो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल शॉर्टनिंग होगी, इसका मतलब लेंथ चेंजेस, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तो लेंथ चेंजेस, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिनोट्स टेंशन चेंजेस, ये कॉन्ट्रैक्शन लेंथ चेंजेस, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टेंशन चेंजेस, तो ये ग्राफ है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डायमीटर ऑफ मसल फाइबर ज़्यादा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव टेंशन। फिर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B। टाइप 1 स्मॉल होता है, टाइप 2 लार्ज होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2A दोनों का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन, टाइप 2B वो वाइट होता है बिकॉज मायोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन स्टोरेज टाइप 1 एंड टाइप 2A में ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म एरोबिक होता है टाइप 1 एंड टाइप 2A, टाइप 2B एनारोबिक पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, इसमें लैक्टेट एक्युमुलेशन होता है विच लीड्स टू पेन एंड फटीग, तो टाइप 2B जो होता है इट इज़ मोर फटीग प्रोन, कि टाइप 2B मसल फाइबर जब यूज़ होंगे इट इज़ मोर फटीग प्रोन, और लेकिन और जो टाइप 2 है टाइप 2A एंड 2B मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज फास्ट, तो दे आर फास्ट एक्टिंग। सो टाइप 1 जो है उसमें लो स्लो मोटर यूनिट्स होता है, टाइप 2A में फास्ट फटीग मोटर रेजिस्टेंट मोटर यूनिट होता है, और टाइप 2B में फास्ट फटीगेबल मोटर यूनिट्स होता है, क्लियर। अब एग्जाम्पल सिटिंग स्टेट में स्लो फाइबर्स होंगे मतलब यूज हो रहे होंगे विच आर फर्स्ट, फिर स्टैंडिंग में टाइप 2A एंड रनिंग में फास्ट फाइबर विच आर लास्ट, जो टाइप 2B होता है फटीगेबल मोटर यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल अल्फा मोटर यूनिट, अल्फा मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर्स इट इनर वेज। फॉर एग्जाम्पल फाइन प्रीसाइज मूवमेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे एक मोटर यूनिट इनोवेट्स ओनली अराउंड 3 to 6 मसल फाइबर्स, मतलब कम मसल फाइबर्स को इनोवेट करता है, लेकिन कोर्स मूवमेंट में अप टू 600 या ज़्यादा मोटर मसल फाइबर्स इनोवेट करता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तो दे आर टाइप्स ऑफ हीट्स। फिर फिनोमेना रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो ये पहला है सिंपल ट्विच फिनोमेना, इसमें इक्वल कॉन्ट्रैक्शन इक्वल रिलैक्शन, मतलब कंप्लीट रिलैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है, इनकम्प्लीट टेटनस उसमें इट इज रिस्पॉन्स टू मल्टीपल स्टिमुलाई बोथ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन आर सीन बट दे आर नॉट कंप्लीट, कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होता, होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, बस वो इनकम्प्लीट टेटनस। फिर उसके बाद फर्दर सस्टेंड स्टिमुलाई, तो उसकी वजह से सस्टेंड स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इज़ कंप्लीट टीटनस, और ये इसे कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस सीन इन टीटनस बाय टीटनोस्पास्म इन टॉक्सिन। फिर ये एबनॉर्मल फिनोमेना फिब्रिलेशन विच इज ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल फाइबर ड्यू टू प्रॉब्लम इन सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन, फिर फैसिकुलेशन इज ट्विचिंग ऑफ ग्रुप ऑफ मसल ड्यू टू पैथोलॉजिकल रिलीज ऑफ मेनी मोटर यूनिट्स।